महाराष्ट्र में पुणे के यरवदा शास्त्री नगर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हानी को ईडी ने रेत के गैर कानूनी माइनिंग मामले में दिन भर पूछताछ के बाद वीरवार शाम को जलंधर से गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक परिवार पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। इस मौके पर सदस्य ने बताया कि पेट्रोल डालकर हमारे पर आग लगा दी गई है जिसमें जरूरी सामान भी जल गया है। गुजरात के वडोदरा पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की ज्यादा अवैध शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें नष्ट कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित बगला मुखी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके आचार्य दिनेश ने बताया वे यहाँ आते रहते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए 16,11,666 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं कल तक कुल 73,58,04,280 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि यदि नया पंजाब बनाना है तो ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। शिखर पर लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनकी धुनों पर नाच सके। पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी राज्य योबे में 2 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में कुल 19 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। एक बार फिर 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार के स्कूल खोलने के आदेश के बाद सरस्वती पूजा से पहले कोलकाता के मूर्तिकारों को अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है।